दोस्तों आप लोगों में से किसी न किसी ने कभी ना कभी डिस्प्रिन टैबलेट जरूर इस्तेमाल की होगी या फिर आपका कोई रिलेटिव जो हमेशा डिस्प्रिन टैबलेट यूज़ करते होंगे और वो ज़्यादातर इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि उनके सिर दर्द में आराम हो यानी कि सिर दर्द के इलाज के लिए से यूज किया जाता है लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा डिस्प्रिन टैबलेट सिर्फ सिर दर्द के लिए इलाज के लिए यूज़ नहीं किया जाता इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये फायदा करता है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और जो लोग डिस्प्रिन टैबलेट कंटिन्यू ले रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा कि उन्हें कंटिन्यू यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो दोस्तों साथ साथ हम ये भी जानेंगे कब इस टैबलेट का किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड या आपके हेल्थ से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों डिस्प्रिन टेबलेट एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही चर्चित दवा है ये एक पत्ते में दस टैबलेट आती है और इस एक पत्ते का जो प्राइस है वह है लगभग बारह रुपए कंपनी इसे बनाती है रैक किट बेनिक्सर और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है इसमें होता है एसिटाइल सलीलिक एसिड चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसे किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल जो महिला गर्भवती हो वो बिल्कुल भी ना करें और जो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें साथ साथ मैं आपको बता दूं दो साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा ना दें और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रखा हो वो लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए उसके बाद इस्तेमाल कीजिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी दवा हम यूज करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चाहिए साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो दोस्तों आजकल मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ जब मैं फ्री हो जाऊंगा अपने काम से तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आप वहाँ क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो चलिए अब जानते हैं इससे होने वाले फ़ायदे दोस्तों जिन लोगों के सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो सिर दर्द में तो ये आराम करता ही है साथ साथ मैं आपको बता दूं किसी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो तो घुटनों के दर्द में भी आराम करता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है फीवर जैसा हो रहा है तो उसमें भी अगर इसे दिया जाए तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक काम करता है और जिन लोगों को एंजाइना का दर्द होता है सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा अगर किसी के जोड़ों में दर्द रहता है जितने भी शरीर में जॉइंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होता है और ये हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज कैसे करना होता है दोस्तों जब भी आपको दर्द हो तब इस टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो सुबह शाम एक एक टैबलेट भी ले सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं जो लोग डिस्प्रिन कंटिन्यू लेते हैं हमेशा लेते हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों काफी समय तक कोई भी दवा यूज नहीं करनी चाहिए और मैं आपको बता दू डिस्प्रिन से क्या नुकसान हो सकते हैं आपको अगर आप काफी समय तक लेते हो आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा तो आपका खाना सही से हजम नहीं होगा एक तो ये समस्या देखी जाती है और एक समस्या देखी जाती है ये खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है जो कि अगर मैं कहूँ तो हार्ट पेशेंट के लिए तो सही है क्योंकि उनका खून जो है गाढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है उनको तो इसीलिए वो अगर यूज़ करते तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है लेकिन जो लोग हार्ट पेशेंट नहीं है उन लोगों को दिक्कत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये ब्लड बहुत ज़्यादा पतला करने लगता है तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें बहुत ज़रूरत हो तभी इसे इस्तेमाल करें अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट दोस्तों वैसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर ही देखा जाता है लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप इस दवा को लेते हैं और लेने के बाद आपको शरीर पर चक्के पड़ने लगे खुजली होने लगे तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा या फिर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है और जब ऐसी कंडीशन बने तो कभी भी तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुड बाय